अम्मा किधर से आई हैं आप? आप क्या लेने आई यहाँ? आप रकम रकम पेंशन लेनी है? पेंशन मला। अच्छा दिया बस। पुलिस वाले नहीं देते? पुलिस वाले मुझे मार दें, मुझे मार दें। अच्छा कितने अरसे तो ये फिर रही हो? मैं गए पता नहीं कितने साल हो गए, सिलसिला जो है कितना है 2010 से। हाँ उसको कुछ है ये कहना कहना बस ये आ रहा है। अच्छा और चीफ जस्टिस को क्या आख्या है? चीफ जस्टिस को कहने खुदा को मान, खुदा रसूला को मान, कुरान किताबा को मान, तुम्हारे कमान है कुछ कर। ते थे इस्लामाबाद किस कॉलर रही हैं? मैं जामल नहीं, नमाज़ सारे का तो कॉल दे दिया। आपके मियाँ जो थे वो पुलिस में थे? हवालदार। हवालदार थे? हवालदार था। उनको पेंशन नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। वो जलजले में फौत हो गए थे? बस जाएंगे बस बस। अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? दो बेटियां हैं। अच्छा तो आप इस्लामाबाद चीफ जस्टिस साहब के पास आई हैं? अल्लाह को माने, रसूला को माने, तुम्हारी गल माने अल्लाह। ये नाजरीन ये खातून हैं जो मानसहरा की गांव की रहशी हैं, इनके मियां जो थे वो पुलिस में थे और पुलिस में वो 2010 के जलजले में शहीद हुए और उसके बाद ये दर पदर हैं और अपने खावन की पेंशन लेने के लिए ताकि अपनी जवान साल बच्चियों को किए हाथ पीले कर सकें और इस वजह से ये आई हैं और इस्लामाबाद में रही और फिर यहाँ आज चीफ जस्टिस की अदालत में सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ तलब करने आई हैं। ये चीफ जस्टिस को इन्होंने इंसानी हकूक सेल में दरख्वास्त जमा कराई है, इंसानी हकूक सेल में दरख्वास्त जमा कराई है और देखते हैं कि अब इंसाफ के इस सबसे बड़े जो इदारा है, जो क्या कहेंगे इसको कि मुनसिफ की सबसे बड़ी अदालत के अंदर, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े मुनसिफ की अदालत के अंदर ये दरख्वास्त दी है। देखते हैं कि क्या बनता है, अल्लाह ताला इसके दुखों का मदावा करे। आपका गुजारा कैसे चलता है? थोड़ी बीवी रोटी पका बैठे, पूरी बीवी रोटी पका बैठे बस ऐसे और कोई नहीं, मैं कोई भी नहीं खुदा को मैं रात मर गए। अच्छा भाई फौत हो गया? हाँ ना मेरा पिया, ना मेरी माँ, ना मेरा कोई पहला जीव भी मर गई। दानियत दानियत